आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। और जिस तरीके से पूरे देश में लॉकडाउन के चलते तमाम शैक्षणिक स्कूल कॉलेज सब चीज़ें बंद हैं और कोरोना से एहतियात के तौर पर लोगों को घर रहने की सलाह दी जा रही है, लेकिन आज का इंटरव्यू में मेरे साथ एक मेहमान जुड़ेंगे, बहुत ही खास मुद्दे पर हम बात करेंगे, क्योंकि देश और दुनिया में जिसकी चर्चा लाजमी है वो है आईलेट्स। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपने कैरियर को लेकर काफ़ी चिंता में हैं, जिनके सामने कई तरीके की चुनौतियां खड़ी हुई हैं, कई तरीके के उनके दिमाग में कई तरीके के सवाल चल रहे होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो आईलेट्स कर पा रहे थे या फिर आईलेट्स में उन्होंने नया नया एडमिशन लिया था, उनका वीज़ा आ चुका था या फिर वीज़ा आने वाला था, या फिर उनको आईलेट्स करने का जो मन उन्होंने बनाया था। इन तमाम सवालों के बीच में सबसे बड़ा सवाल है, क्या उन लोगों का कैरियर अब अधर में लटक गया है जो लोग विदेश में जाने की चाहत रखते हैं या फिर विदेश में आईलेट्स के बेस पर जाना चाहते हैं, बिना आईलेट्स कैसे वो वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं, ये तमाम बातें हैं। हालांकि स्कूल कॉलेज की तरफ से तो ऑनलाइन शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, लेकिन क्या आईलेट्स में भी ऐसा संभव हो पाया है कि अगर आप आईलेट्स कर रहे थे या फिर आप करने के इच्छुक हैं, आप सेंटर चूज़ नहीं कर पाए, लॉकडाउन के आप हिस्से में आ गए, तो इसके लिए मेरे साथ मंडी डबवाली से पूरे जिला सिरसा और पंजाब के कई ज़िलों के लिए बहुत ही मशहूर सेंटर, जो एक बहुत ही नामी ग्रामी एक हस्ती के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है डबवाली का, आईलेट्स मेडीजी सेंटर, मेरे साथ इस वक्त उसके डायरेक्टर मिस्टर परमजीत दुहन जी मेरे साथ जुड़ेंगे। परमजीत जी, सबसे पहले आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू पन्नू जी, मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने इतने कीमती समय से हमारे लिए टाइम निकाला। और तेज हरियाणा चैनल के थ्रू से देख रहे दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। परमजीत जी, सबसे पहला सवाल मैं करता हूँ उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए, जिन लोगों का टारगेट अचीव गोल था कि उन्होंने विदेश में जाकर स्टडी लेनी है, उन्हें आईलेट्स करके बाहर जाना है, ऐसे लोगों का अगर वीज़ा आया हुआ था, अब लॉकडाउन के बाद क्या वो रद्द हो गया या फिर वो लोगों को अभी किसी तरीके की चिंता करनी चाहिए, चिंता में नहीं पड़ना चाहिए, इसके लिए आप उन बच्चों के लिए क्या जवाब देंगे सर, जिनका वीज़ा आ चुका था लेकिन लॉकडाउन की वजह से अब सब कुछ वहीं पर स्थिर हो गया। बहुत ही अच्छा सवाल किया पन्नू जी, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर चिंतित थे जहाँ जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, और स्पेशली उन वो बच्चे जिनका वीज़ा आ गया था, तो मेरी भी एक स्टूडेंट थी जिसका वीज़ा आ गया था, मई इनटेक था उनका कनाडा के लिए, तो घबराने वाली बात कोई भी नहीं है पन्नू जी। अब जो उनका इनटेक है वो सिर्फ उनको अगले इनटेक के लिए उनको रेफ़र कर दिया है, तो उनको सितंबर इनटेक या जैन इनटेक उनको दे दिया गया है, तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, जैसे ही फ्लाइट शुरू हो जाएंगी, तो बच्चा अपने उस इनटेक में जा सकता है। अब जैसे मेरी स्टूडेंट जिसका मई इनटेक था, सितंबर इनटेक के लिए डेफर उसको किया गया है, अब अगर सितंबर तक भी लॉकडाउन ओपन नहीं होता तो उसको अगले इनटेक में कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी उनका वीज़ा रद्द हो जाएगा, वो बाहर नहीं जा पाएंगे, तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और जिन बच्चों की मतलब जिन्होंने फीसिस भर दी है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मतलब कॉलेज की फ़ीस या GIC तक उनकी भर दी गई थी, मेडिकल भी हो गया था कुछ स्टूडेंट्स का, तो कुछ नहीं है, जैसे ही लॉकडाउन खोलेगा वैसे ही प्रोसेस चलेगा, और जो मेरा मानना है तो वीज़ा में थोड़ी डील भी मिल सकती है, तो घबराने वाली बात कोई भी नहीं है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो सर मेरे जहन में आ रहा है, जो बच्चे आईलेट्स करना चाहते हैं या फिर आईलेट्स कर चुके हैं, उनका भविष्य आप कैसे देखते हैं सर, क्या उन लोगों को अप्लाई करने का दोबारा मौका मिलेगा जो आईलेट्स करने की चाहत रखते हैं या फिर कर चुके हैं, उनका भविष्य कोई संकट में नज़र आता है सर आपको? नहीं सर, कोई संकट वाली बात नहीं है, इवन मैं तो ये बोलूँगा लॉकडाउन का फ़ायदा उनको उठाना चाहिए, उनके पास काफ़ी समय है, घर से बाहर नहीं निकल सकते, उनके पास काफ़ी खाली समय है, उसमें वो अपने फ्यूचर के लिए तैयारी करें, आईएलटीएस की तैयारी करें, जिन बच्चों के अगर बैंड भी आ गए थे उनको और इम्प्रूव कर सकते हैं, जहाँ जिन बच्चों ने शुरू करना था वो घर से बैठ कर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, तो क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ है जो आगे वीज़ा में वो डील करेंगी और वीज़ाज मिलेंगे, कोई ऐसा नहीं है अभी उनको वीज़ा नहीं मिलेगा। परमजीत जी, एक सवाल, एक मिथ्स जो लोगों के अंदर इस तरीके की भ्रांतियाँ फैलाई जाती है, लोग सोशल मीडिया से भी देख लेते हैं, लोग ये सोचते हैं कि इस लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस के चलते अब बाहर देश में जाना बहुत असंभव सा हो गया है, बाहर के मुल्कों ने अब इंडिया के लोगों की एंट्री बैन कर दी है, अब आईलेट्स करना भी बेकार हो गया है, अब आप बाहर नहीं कभी भी जा सकेंगे क्योंकि देश ऐसी नीति और तमाम पॉलिसी लेकर आएंगे, आपको लगता है जो मिथ्स लोगों के बीच में बनाई जा रही है
उसमें कितनी सत्यता आपको लगती है कि अब बाहर जाना बंद हो जाएगा लोगों? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है भी, अब आगे बच्चा बाहर नहीं जा पाएगा जब वो सारे कंट्रीज़ है वो इसको परमानेंटली बंद कर देंगे। नो डाउट जब तक ये कोरोना की प्रॉब्लम है तब तक के लिए लॉकडाउन रहेगा, इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे थोड़ा सा बैन रहेगा, क्योंकि देखिए पन्नू जी अगर हम लॉजिकली भी सोचें जो इंटरनेशनल स्टूडेंट से रेवेन्यू किसी भी कंट्री को मिलता है ना, तो वो कोई भी कंट्री उसको बंद नहीं कर सकती। थोड़े टाइम के लिए रोक सकती है, 2 महीने 4 महीने या 6 महीने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल बंद नहीं होगा। वैसे ही प्रोसेस चलेंगे, वैसे वीज़ाज आएंगे, घबराने वाली बात कोई भी नहीं है। मैं बच्चों से बार बार यही बात बोलूँ, अभी जो आपके पास टाइम है उसको यूटिलाइज़ कीजिए और उसमें आप तैयारी करिए, मेहनत करिए और इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करिए, अपनी स्टडी से रिलेटेड आर्टिकल्स रीड करिए, टाइम वेस्ट मत करिए मूवीज़ देख के या फेसबुक चला कर या व्हाट्सअप चला कर, आप समय का पूरा यूटिलाइज करें। सर क्या लगता है आप कितनी उत्सुकता लोगों में अभी भी बनी हुई है जो बाहर जाना चाहते हैं? क्या आपके पास भी ऐसे कॉल्स आते होंगे, किस तरीके का रिस्पांस आता है इस संकट की घड़ी में भी लोग क्या बाहर जाने के लिए आपके पास कॉल करते हैं, ऐसी इंक्वायरीज आती हैं? पन्नू जी अगर मैं कल की बात ही करता हूँ, बच्चों में बच्चे वैसे ही एक्साइटेड हैं नो डाउट। इवन बच्चे फ़ोन करके मैं से पूछ, सर ये लॉकडाउन कब खुलेगा, हमने तो जाना ही जाना है। कल भी पन्नू जी मेरे पास एक कॉल आई, सर हमने तो सुना है अभी खुल गया है, आप प्लीज़ हमारा अप्लाई कर दो। परसों भी मेरे पास कॉल आई थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है कुछ 10-20% लोग डरे भी हैं भी, पता नहीं अब वीज़ा नहीं मिलेगा या अब हमने जाना नहीं है। देखो कोरोना तो हर कंट्री में आ गया है और आज नहीं तो कल उसने ख़त्म होना ही होना है। पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, महामारी पहले भी आई है ना, तो ये मतलब ख़त्म हो जाएगा तब वैसे ही नॉर्मल सारा प्रोसेस चलेगा। सर आपको क्या लगता है अगर कोई बच्चा अभी भी उसका अगर वीज़ा लग गया था, वो वहाँ पर पढ़ना चाह रहा अभी भी उसका, अगर वो विदेश जाना चाहता है, क्या विदेश के ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो संस्थाएं यहाँ बैठे बच्चों के लिए भी ऑनलाइन कोई शिक्षा दे पा रही है, आपके ऐसा भी कुछ है? हाँ जी सर, बहुत सारी कंट्रीज़ में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ ने ऑप्शन ये दी है भी, अगर स्टूडेंट्स विलिंग है तो वो अपने घर बैठकर ऑनलाइन स्टडी भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादातर बच्चे ये ऑनलाइन एजुकेशन को प्रेफर नहीं कर रहे, वो वहाँ पर जाकर ही क्लासेस लेना चाहते हैं, तो वो वेट कर रहे हैं कि लॉकडाउन ओपन हो, लॉकडाउन हटे तो हम वहाँ पर जाकर अपनी नॉर्मल क्लासेस ज्वाइन करें। सर एक और मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्या सिर्फ आप आईलेट्स का ही कोर्स करवाते हैं या फिर वीज़ा का भी आप काम देखते हैं? अगर कोई बच्चा वीज़ा लगवाना चाहता है, कैसे आपके साथ किसी कॉलेज का टाई अप है अगर वीज़ा लगवाना चाहता है तो क्या आपसे वो कंसर्न कर सकते हैं? पन्नू जी हम आईएलटीएस के साथ साथ हम वीज़ा भी अप्लाई करते हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का वीज़ा ऑलरेडी आया है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था मई इनटेक के मेरे बहुत सारे वीज़ाज आए थे और जैन इनटेक के लिए भी। अगर आज की डेट में कोई बच्चा जिसने आईएलटीएस कर रखी है वो अपना ऑफर लेटर अप्लाई करना चाहता है तो वो सीधा हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, क्योंकि हमारे कैनेडा में और ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में डायरेक्टली टाई अप हैं कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, इवन यूके भी हमारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज से डायरेक्टली टाई अप हैं, तो हमसे कॉन्टैक्ट करके बच्चा अपना वीज़ा अप्लाई कर सकता है। सर अभी मैं अगला हिस्सा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मेरे पास है, जो बच्चे अब आपके साथ जुड़े हैं, आपके पास सैकड़ों स्टूडेंट्स आपके पास तो आते हैं सर, आप उनके लिए शिक्षा कैसे प्रोवाइड करवा पा रहे हैं? क्योंकि स्कूल कॉलेजेस तो हैं लेकिन ये एक ट्रेंड अलग है जिसमें काफ़ी सारे मॉड्यूल आते हैं सर, जहाँ पर सुनना देखना परखना सब रीडिंग लिसनिंग सब चीज़ें आती हैं, कैसे प्रोवाइड कर पा रहे हैं? सर देखिए नो डाउट आपने मतलब हम सभी को पता है लॉकडाउन के कारण सारे मतलब बिजनेस ऑफ हैं, स्पेशली स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट्स, वो मेरे ख्याल में सबसे मतलब लास्ट पे जाके ओपन करेंगे जब ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, और होना भी ऐसा चाहिए, उसमें हमारी सेफ्टी है। तो अब देखो जैसे लॉकडाउन 3 मई तक है, तो जो मेरी प्रेडिक्शन है ये जून जुलाई या अगस्त तक भी जा सकता है, तो ये लंबा टाइम है, 3-4 महीने है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने पहले दिन से वर्किंग स्टार्ट कर दी थी पन्नू जी, तो उसको मैंने उसमें मैं सक्सेसफुल भी हो गया हूँ। मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने एरिया के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैंने शुरू कर दिया है, जिसमें चारों के चारों मॉड्यूल प्रॉपर वे से आपको करवाए जाएंगे। आपको ये नहीं है भी हमको मतलब जो क्लास में मज़ा आता था वो यहाँ पे नहीं आ रहा, बच्चे वैसे ही इंजॉय कर सकते हैं, पूरा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, चाहे वो बच्चे जो पहले आयल्स कर रहे थे उनके लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, चाहे उन बच्चों के लिए जिनको आयल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, जीरो से स्टार्ट करना था, ये प्लेटफॉर्म जीरो से स्टार्ट होके और एडवांस लेवल तक के स्टूडेंट्स के लिए है। मैं आपको इसका डेमो भी दिखा दूंगा, बच्चों को घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, अपने फ़ोन पे, अपने लैपटॉप या पीसी पे
बच्चे इसको ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, जिसमें हम लाइव क्लासेस भी बच्चों को देंगे। हाँ सर, अगर कोई स्टूडेंट, मान लीजिए आपके इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट वो नहीं है, वो बाहर से है, उसके अंदर भी उत्सुकता है कि वो आईलेट्स करना चाहता था लेकिन अभी वो आईलेट्स नहीं कर पाएगा, क्या वो भी आवेदन कर सकता है सर आपके पास? उसके लिए क्या प्रोसेस है आपके पास? अगर सर आप डेमो को दिखाना चाहें, वो बच्चा कैसे आपके पास पहुंचे? जी सर, शुरू में डेमो भी दिखाऊंगा सर, मैं इसकी आपको बात क्लियर कर दूं। आप यकीन मानेंगे सर, मेरे से जरूरी ना, डबवाली से ही बच्चे इसको कर सकते हैं। मेरे पास बठिंडा से, मलोट से, इवन लुधियाना से भी मैसेजेस आ रहे हैं। जैसे मैंने फेसबुक पे थोड़ी सी प्रमोशन लगाई थी तो बच्चों ने वहाँ से नंबर देख के मेरे को कॉन्टैक्ट किया, वी आर इंटरेस्टेड, है ना। तो कहीं से भी बैठकर बच्चा ये क्लासेस ले सकता है, कुछ भी नहीं करना। एक तो मेरा नंबर है, डेट इज़ 8801888018, 8818018018। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मेरे से पूछ सकते हैं अभी क्लासेस को कैसे ज्वाइन करना है। और पन्नू जी, मैं एक लिंक भी शेयर करूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके बच्चा अपने आप को ऑनलाइन क्लासेस के लिए रजिस्टर कर सकता है। तो मैं डेमो आपको दिखा दूंगा उसको कैसे यूज़ कर सकता है। अभी हम डेमो देख लेते हैं। अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप घर से बाहर नहीं आ सकते हैं, तो अब आपके विदेश जाने की चाहत, आपको किसी भी तरीके से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मिस्टर परमजीत जी हमें दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको आईलेट्स मेड इजी की जो .in पर जाकर आपको पूरी इंक्वायरीज ले लेनी है, वहीं पर जाना है। और आगे जो डेमो है वो किस तरीके से शुरू होगा आपको बता रहे हैं परमजीत सर। हाँ जी, जैसे कि पहले आप अपने मेरी वेबसाइट ओपन करोगे ielsmadeeasy.in, उस पर जाओगे तो आपको ये फ्लोटिंग आइकन नज़र आ रहा है, रजिस्टर ऑनलाइन। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, अब जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो ये आपसे रजिस्टर के लिए मांगेगा, आपकी डिटेल मांगेगा। तो आपने वहाँ पे जाके अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है, अपना नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, और अपने अपना कोई भी पासवर्ड रखना है, और अपने कोर्स चूज़ करना है। अभी आपने आईएलएस अकेडमी चूज़ करना है या जनरल ट्रेनिंग, मीन्स अगर आपने स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो आप आईएलएस अकेडमी की यूज़ करोगे, और अगर आपने पीआर या वर्क परमिट के लिए जाना है तो आप आईएलएस जनरल ट्रेनिंग चूज़ करोगे। उस पर जैसे आप रजिस्टर कर दोगे, आपको एक वेरिफिकेशन मेल जाएगी, उस मेल को आप वेरीफाई कर दोगे, फिर आपको वेलकम मेल आ जाएगी जिसमें आपको लॉगिन पासवर्ड आपको वहाँ से मिल जाएगा। जैसे ही वो मिल जाएगा तो आप उसमें जाके लॉगिन करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक लॉगिन करके भी बता देता हूँ। आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ से फिल किया, लॉगिन किया, तो ये सारा आपके साथ डेस्कटॉप आपके सामने खुल जाएगा। आईएलएस एकेडमी का जैसे स्टूडेंट है तो उसमें प्रॉपर रहेगा। अगर जीरो लेवल से स्टार्ट करना है, आप ग्रामर का टेस्ट ले लोगे अपने आप को लेवल करने के लिए भी आपको कौन सा प्लान इसमें से लेना है। आईएलएस के बारे में अगर आपको नहीं पता तो सारा कंप्लीट इसमें आईएलएस के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद लेसन्स है, ग्रामर के लेसन्स रहेंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ग्रामर के लेसन्स लेने हैं या लिसनिंग के रिलेटेड, रीडिंग के फॉर एग्जांपल, तो हर एक जैसे क्वेश्चन टाइप है, मैचिंग हेडिंग्स, लोकेशन इंफॉर्मेशन, तो इंडिविजुअली हर चीज़ का लेसन यहाँ पे पढ़ा रहेगा और एक्सरसाइज भी होगी आपको। उसके बाद आप सेक्शनल टेस्ट पे जाओगे तो आपको टेस्ट वहाँ पे मिलेंगे, लिसनिंग के, रीडिंग के, राइटिंग के एंड स्पीकिंग के। देन मॉक टेस्ट है, फिर आपको प्रॉपर आप राइटिंग करोगे जो भी करोगे ना सारा, उसमें आपको पूरा रिपोर्ट मिलेगी वहाँ से सारा, आपके बैंड कितने आ रहे हैं, राइटिंग में कहाँ कहाँ से आपकी प्रॉब्लम है, कैसे इम्प्रूव करना है। और लाइव क्लास की ऑप्शन भी रहेगी, तो जिसमें आप लाइव क्लास आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसको क्लिक करोगे तो नेक्स्ट आपको लाइव क्लास का टाइम दिखेगा। अगर आपकी लाइव क्लास मिस भी होगी है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, तो उसमें रिकॉर्डेड आपकी क्लास रहेगी, उसमें जाके आप प्ले करके अपनी लाइव क्लास बाद में भी आप उसको देख सकते हो। मतलब कंप्लीट सारा पैकेज हमने आपको यहाँ पे दे दिया, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं होता, जब तक इंस्टीट्यूट नहीं ओपन होते, तो तब तक आपको इसी को ही अपना हथियार बनाना है, अपना उसकी वेट करते हुए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो अगर बच्चा ये करेगा, मैं गारंटी करता हूँ बच्चा एक अच्छा स्कोर लेके आईएलएस को क्रैक करेगा और अपना जो वीज़ा मतलब किसी भी कंट्री का लेना है, वो अपना ड्रीम है वो फुलफिल कर सकता है। आखिरी सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ सर। मान लीजिए ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने आईलेट्स कर रखा है, बहुत अच्छी अमाउंट में उन्होंने अच्छे कहीं से भी आईलेट्स किया हो, अब माँ बाप को चिंता सता रही है कि पैसा भी लगा दिया, चाहे लड़का था चाहे लड़की था, लड़की है, वो बाहर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, कई तरह की मैंने पहले ही हमने मिथ्स पर चर्चा की है, क्या ऐसे लोगों को, ऐसे फैमिलीज़ को, ऐसे पेरेंट्स को किसी तरीके की चिंता की ज़रूरत है? आप श्योर करते हैं उनके लिए क्या मैसेज?
बिल्कुल भी चिंता की जरूरत नहीं है। अगर बच्चों के बैंड्स आ रखे हैं, उनके 6 ईच बैंड है या उससे ज़्यादा बैंड है, तो घबराने वाली बात नहीं है। अभी भी प्रोसेस चल रहे हैं, आप अपने ऑफर लेटर अप्लाई करिए, चाहे कनाडा के लिए आपने करना है, कॉलेजेस आर ओपन, यूनिवर्सिटीज आर ओपन, तो आप अपना ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर दीजिए, ऑफर लेटर आ जाएगा और उसके बाद जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होता है अपनी फीसिस वगैरह भर के आप वीज़ा अप्लाई करके आप जा सकते हो। तो आज की भी एक अपडेट आई है, मैं ज़्यादा डीपली पढ़ नहीं पाया, उसकी अपडेट भी मैं दे दूं अपने फेसबुक पेज पर। कनाडा ने जो है वो मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो अपने डोर है जो अपने क्या बॉर्डर ओपन कर दिए हैं, और इंटरनेशनल स्टूडेंट जो ऑलरेडी वहाँ पे हैं वो कुछ एरिया में काम भी कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है अभी कम्प्लीटली लॉकडाउन है, बच्चा वहाँ पे जाएगा तो उसको काम नहीं मिलेगा या बच्चा जा नहीं सकता या वीज़ा नहीं आएगा, तो ऐसी कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वैल्यूएबल आपके जो पॉइंट्स आपने शेयर किए हैं, वक्त निकाला, बहुत बहुत थैंक यू सर। तो ये थे मेरे साथ आईलेट्स मेड एजी से डायरेक्टर मिस्टर परमजीत धवन साहब, जो बता रहे थे और बहुत ही विस्तार से हमने उनके साथ चर्चा की है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंक्वायरीज सवाल थे जो हर एक बच्चे और पेरेंट्स के जहन में थे। तब आपको किसी भी तरीके की घबराने की आवश्यकता नहीं, अगर आपने ये मिथ से तय किया था कि अब इस कोरोना संकट के चलते, COVID-19 के चलते अब बाहर जाने का सपना आपका टूट गया है, आपकी आईलेट्स की जो डिग्री थी, आपका डिप्लोमा था, वो रद्दी टोकरी में चला गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विदेश के ऐसे बहुत सारी कंट्री है जिन्होंने अब भी इसके दरवाजे खोल दिए, जैसे धवन साहब कह रहे हैं, बहुत जल्दी ही जैसे स्थिति सामान्य होती है, लॉकडाउन पूरी खुलता है, तो आपका सपना पूरा होगा, आपकी विदेश जाने की चाहत पूरी होगी, आप बशर्ते आप अपनी तैयारी रखिए, आप अपनी मेहनत करते रहें। और डबवाली के इस सेंटर ने ये साबित करके दिखाया है, इस लॉकडाउन में भी देश प्रशासन सरकार का साथ देते हुए, बच्चों को घर रहने की आदत बताते हुए एक अपनी पूरी ऐप लॉन्च की है। आप www.iletsmadeeasy.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन वहां पर मिलेगा, एक कोड मिलेगा, वहां पर जाकर आप अपना पूरा टेस्ट है वो दे सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर दें, और आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के नंबर में एक लिंक आपको सीधा आईलेट्स मेड इजी पर ले जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर से आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट का कॉन्टैक्ट मैं आपको दे रहा हूँ, उससे सीधे आप वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं, और आप ज़्यादा जानकारी के लिए आईलेट्स मेड इजी का फेसबुक पर पेज है, उसको आप लाइक कर सकते हैं ताकि हर अपडेट आपको वहीं से सीधी मिल जाए। कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।